नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ध्वनि संप्रदाय का। इसे ध्वनि सिद्धांत भी कहा जाता है। वास्तव में छात्रों के मन में समय समय पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है या जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि संप्रदाय और सिद्धांत क्या है। तो मैं इसका अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। किसी विद्वान ने यदि किसी सिद्धांत का प्रवर्तन कर दिया तो वह उनका सिद्धांत हो गया। जैसे ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया था आचार्य आनंदवर्धन ने और बाद में अन्य आचार्यों ने उसका समर्थन किया और उसके समर्थन में अपने विचार विमर्श विचार रखे, तो इसे कहा जाता है संप्रदाय। मतलब किसी सिद्धांत के समर्थन करने वाले अन्य विद्वानों से मिलकर उस संप्रदाय का निर्माण होता है। इसलिए यदि परीक्षा में ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत आता है तब दोनों का ही उत्तर यही रहेगा। वास्तव में हिंदी साहित्य में कुछ अवधारणाएं आपको बहुत ही जटिल लगती हैं, बहुत ही कठिन लगती हैं। इसका कारण यह है कि आपको उसको समझना पड़ता है। जब समझ कर आप पढ़ेंगे, समझ कर जब याद करेंगे, तब आपको कोई भी अवधारणा बहुत ही आसान लगेगी। तो हिंदी साहित्य की जटिल अवधारणाओं को, जटिल जो कॉन्सेप्ट हैं, डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको सरल करने का यह मेरा विनम्र प्रयास है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ध्वनि संप्रदाय। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न संप्रदायों का जन्म क्यों हुआ? जब काव्य की आत्मा के संबंध में विचार विमर्श किया गया कि काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है अथवा काव्य की आत्मा क्या है, तब विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को है, जिन्होंने अपने ग्रंथ ध्वनियालोक में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। आचार्य आनंदवर्धन का यह कहना है कि ध्वनि सिद्धांत पहले से ही प्रचलित था, पहले से ही विद्यमान था, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन ने इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इसीलिए हम आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक का सम्मान देते हैं। ध्वनि सिद्धांत से पहले काव्यशास्त्र में तीन और अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत और रीति सिद्धांत का प्रवर्तन हो चुका था। अतः ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत प्रबल एवं पुष्ट तर्कों के आधार पर ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए उक्त सभी सिद्धांतों का पुनः मूल्यांकन किया गया। वास्तव में जब ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ उससे पहले ही तीन अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत और रीति सिद्धांत का प्रवर्तन हो चुका था, लेकिन ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से फिर उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया। अब ध्वनि सिद्धांत किस पर आधारित है? ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण से संबंधित स्फोटवाद है। मतलब व्याकरण का एक सिद्धांत है स्फोटवाद, और यह ध्वनि पर आधारित है। काव्य शास्त्रियों ने ध्वनि शब्द व्याकरण के विद्वानों से लिया है। ध्वनि काव्य का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से है। अब यह ध्वनि शब्द आया कहां से? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तकों ने ध्वनि सिद्धांत कहां से लिया है? इन्होंने लिया है व्याकरणाचार्यों से। यह व्याकरण से आया हुआ शब्द है। आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण में ध्वनि वर्ण इत्यादि अवधारणाएं हैं, तो वहीं से यह ध्वनि शब्द लिया गया है। और जो ध्वनि काव्य होता है, ध्वनि काव्य का संबंध किससे होता है? व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं। जब तक आप शब्द शक्तियों को नहीं समझेंगे आप ध्वनि संप्रदाय को नहीं समझ सकते। जो ध्वनि शब्द शक्ति है ये तीन प्रकार के होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। चलिए आगे देखते हैं कि ये शब्द शक्तियां क्या हैं। अब यहां पर व्यंजना जो शब्द आया हुआ है, व्यंजना शब्द का अर्थ होता है किसी बात को स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। तो व्यंजना शब्द का यह अर्थ है। मैंने यहां पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब जो स्फोट शब्द, क्योंकि जो ध्वनि सिद्धांत है यह व्याकरण के स्फोटवाद से संबंधित है, और स्फोट का अर्थ क्या होता है? जिससे अर्थ स्फुटित होता है, जिससे अर्थ व्यक्त होता है, पहला यह है। दूसरा अर्थ क्या है? जो वर्णों द्वारा स्फुटित हो, प्रकाशित हो अथवा व्यक्त हो। वर्ण मतलब जैसे क ख ग घ ङ, ये सब वर्ण है हिंदी के, तो वर्णों के माध्यम से जब कोई अर्थ व्यक्त हो, प्रकाशित हो, तो इसे कहा जाता है स्फोट। स्फोट व्यंग भी है, स्फोट का संबंध व्यंग से होता है। इस स्फोट को ही ध्वनि कहा गया है। तो इस स्फोट को क्या कहा जाता है ध्वनि सिद्धांत में? इसे ध्वनि कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझने के लिए शब्द शक्तियों का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द शक्तियां
क्या होती है? शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं। मतलब वह क्षमता जिसके माध्यम से हम किसी अर्थ के किसी शब्द के अर्थ को समझ पाते हैं, उस क्षमता को हम कहते हैं शक्ति। दूसरे शब्द में जिस शक्ति जिस कार्य अथवा वृत्ति या व्यापार से शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने या समझने में सहायता मिलती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस क्षमता के माध्यम से जिस शक्ति के माध्यम से जिस कार्य के माध्यम से अथवा जिस व्यापार के माध्यम से हम किसी शब्द के अर्थ को समझ पाते हैं कि किसी शब्द में कौन सा अर्थ निहित है, तब उस क्षमता को हम कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्तियों के प्रकार, अब शब्द शक्तियां मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो तीन प्रकार के शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा शक्ति या वृत्ति ये होता है, अभिधा शक्ति या वृत्ति, यहां हम देखेंगे कौन कौन सी शक्तियां वृत्तियां होती हैं, उनसे जुड़े हुए शब्द कौन से होते हैं, उनसे कौन सा अर्थ निकलता है और हम देखेंगे उदाहरण। सबसे हम पहले हम देखते हैं अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति से जो जुड़ा हुआ शब्द होता है उसे हम कहते हैं वाचक शब्द, और वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है, अभिधा शक्ति किस शब्द से संबंधित है? वाचक शब्द से। और वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ। जैसे कि उदाहरण के लिए गंगा, यह गंगा नदी है, डायरेक्ट हमको मीनिंग पता चल जा रहा है, सीधा अर्थ पता चल जा रहा है कि यह गंगा नदी है। गधा घास चरता है, गधा कोई पशु है जो घास चरता है, तुरंत हमको मीनिंग इसका पता चल जाता है। मतलब अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा हमको वास्तव में शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी का मीनिंग पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं अभिधा शक्त अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति के माध्यम से हमको सीधा अर्थ पता चलता है जो शब्दकोश में उल्लिखित होता है। लक्षणा शक्ति क्या होती है? लक्षणा शक्ति से डायरेक्ट पता नहीं चलता किसी शब्द का अर्थ, जैसे कि लक्षणा जो शक्ति है वह किस शब्द से संबंधित है? लक्षक शब्द से संबंधित है। और किस अर्थ से संबंधित है? लक्ष्यार्थ या गौणार्थ। गौणार्थ मतलब जो मुख्य नहीं है, लक्ष्यार्थ जिसे लक्ष्य करके कुछ कहा जाता है, किसी को लक्ष्य करके कुछ कहा जाता है, गौड़ अर्थ जो मुख्य नहीं है जो गौड़ है, वह गधा है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि वह गधा है, किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वह गधा है, तो यहां पर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि गधा कौन है? एक ऐसा पशु है जो अत्यंत मूर्ख होता है। वह गधा है मतलब वह व्यक्ति बहुत मूर्ख है, निरामूर्ख है। तो यहां पर गधा को लक्ष्य करके व्यक्ति को कहा गया है कि वह गधा है, तो यह क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया, किसी को लक्ष्य करके कुछ कहना। इसके बाद जो व्यंजना शब्द शक्ति है, इसका संबंध होता है व्यंजक शब्दों से, और व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ अथवा प्रतीयमान अर्थ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी का संबंध ध्वनि सिद्धांत से है। तो व्यंजना शक्ति का संबंध व्यंजक शब्दों से होता है, और व्यंजक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ अथवा प्रतीयमान अर्थ। व्यंजना शब्द शक्ति का जो अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ अथवा प्रतिमान अर्थ। मतलब जहां पर अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति के माध्यम से हम अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, तब व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से हम अर्थ तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि यदि किसी में कोई व्यक्ति कहता है उसका घर गंगा में है, अब कोई नदी में तो कोई घर नहीं बना सकता, गंगा हमारे देश की सर्वाधिक पवित्र नदी है, लेकिन क्या कोई नदी में कोई घर बना सकता है? मतलब इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि उसका घर गंगा के किनारे में है। जैसे किसी का घर इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे में है तो उसका घर गंगा में है। तो मतलब जहां पर अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वहां व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता है, और इस अर्थ को हम कहते हैं व्यंग्यार्थ अथवा प्रतीयमान अर्थ, और इसी प्रतीयमान अर्थ का संबंध ध्वनि सिद्धांत से होता है। अब ध्वनि का अर्थ और स्वरूप, आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार जहां अर्थ स्वयं को तथा शब्द अभिधेय अर्थ, अभिधेय अर्थ मतलब क्या होता है? वाच्यार्थ अथवा मुख्य अर्थ जिसका संबंध अभिधा शब्द शक्ति से है, तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौड़ करके प्रतिमान अर्थ को प्रकाशित करता है, प्रतिमान अर्थ को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। तो ध्वनि काव्य क्या होता है? जहां पर अभिधेय अर्थ गौड़ होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि
जो प्रतीयमान अर्थ होता है, जो व्यंग्यार्थ होता है, जो प्रतीयमान अर्थ होता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ को प्रधानता दी जाती है उस काव्य को हम कहते हैं ध्वनि काव्य। अभिधेय अर्थ का तात्पर्य मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ भी होता है। ये जो पहले नंबर का है अभिधा शक्ति। अब प्रतिमान शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिमान शब्द का अर्थ है जान पड़ता हुआ, जिसे ऐसा जान पड़ता है मान लगाते हैं, या जो समझ में आता है, अथवा जो वास्तविक सा जान पड़े, मतलब जो हम अनुमान लगाते हैं वह कहलाता है प्रतिमान अर्थ। लेकिन वास्तव में यहां पर प्रतिमान अर्थ का संबंध है जो व्यंजना द्वारा प्रकट हो। वह अर्थ जो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट होता है उस अर्थ को हम कहते हैं प्रतीयमान अर्थ। तो ऊपर जो भी बातें बता रहा हूं यह सारी बातें एक दूसरे से संबंधित है, इसे आपको क्रमशः समझते जाना है। तो इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ अर्थात प्रतीयमान अर्थ का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रतीयमान अर्थ का वाच्यार्थ तथा मुख्यार्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण होना भी आवश्यक है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार किसी काव्य में केवल व्यंग्यार्थ है अथवा प्रतीयमान अर्थ है तभी उस काव्य को हम ध्वनि काव्य नहीं कह सकते, बल्कि ध्वनि काव्य में जो प्रतीयमान अर्थ है, जो व्यंग्यार्थ है, वह वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुख्यार्थ का संबंध अभिधा शक्ति से होता है और प्रतीयमान अर्थ का संबंध किससे होता है? व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। तो जब प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होता है तभी उस काव्य को हम कहते हैं ध्वनि काव्य। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां व्यंग्यार्थ प्रमुख हो, व्यंग्यार्थ अथवा जो हमारा प्रतीयमान अर्थ है वह प्रमुख हो और वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ गौड़ हो, वहीं ध्वनि मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए दोहा देखिए, एक दोहा देखकर हम समझ सकते हैं। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो यहां पर जो माली है, माली का साधारण अर्थ वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ, यहां माली क्या है? माली है जो बगीचे की देखभाल करता है। और कलियन का अर्थ क्या है? कलिया है, फूलों की कलिया। तो ये तो इसका वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ है, लेकिन यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह गौड़ है। वास्तव में यहां पर जीवन की क्षणभंगुरता को व्यंजित करने वाला अर्थ ध्वनित हो रहा है, अर्थात यहां पर व्यंग्यार्थ है और वही प्रमुख है। व्यंग्यार्थ की प्रमुखता के कारण यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। जैसे माली मतलब हो गया यमराज और कली मतलब हो गया हमारा जीवन, तो यहां पर माली से तात्पर्य माली आ रहा है वह कली को चुन लेगा, माली जो आ रहा है वह कली को चुन लेगा, मतलब हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है। तो वास्तव में इस कविता के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहां पर जो व्यंग्यार्थ है वह प्रमुख है और व्यंग्यार्थ की प्रमुखता के कारण ही यह काव्य ध्वनि काव्य है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के भेद, तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के तीन भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और तीसरा चित्र काव्य। अब हम देखते हैं कि ध्वनि काव्य क्या है। जहां व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ जो व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित होता है, वह वाच्यार्थ तथा मुख्यार्थ से सुंदर हो वहां ध्वनि काव्य होता है। मतलब जहां पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक सुंदर होता है वहां पर ध्वनि काव्य होता है, और जहां वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर है वहां गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। पहले में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है और दूसरे में वाच्यार्थ ज्यादा सुंदर होता है, तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, और जहां पर केवल वाच्यार्थ होता है उसे चित्र काव्य कहते हैं। और जहां पर डायरेक्ट पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता है जिसका संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है उसे हम कहते हैं चित्र काव्य। इस प्रकार उन्होंने ध्वनि काव्य को उन्होंने तीन कैटेगरी में विभाजित किया है। ध्वनि काव्य के अंतर्गत उनके हिसाब से ध्वनि काव्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, क्षमा चाहता हूं, इस प्रकार उन्होंने ध्वनि काव्य को क्या कहा है? उत्तम काव्य कहा है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य कहा है, और चित्र काव्य को उन्होंने अधम कोटि का, अधम कोटि मतलब निम्न कोटि का काव्य माना है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य को उत्तम कोटि का, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम कोटि का और चित्र काव्य को अधम कोटि का काव्य माना है। ध्वनि काव्य का उदाहरण हम देख चुके हैं ऊपर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। तो यह क्या हो गया? ध्वनि काव्य का उदाहरण है। अब हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य,
एवं चित्र काव्य के उदाहरण यहां देखते हैं। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में क्या होता है, जो वाच्यार्थ होता है वह व्यंग्यार्थ से ज्यादा प्रधान होता है, प्रमुख होता है, सुंदर होता है। जैसे कि अन देखे देखन जो है, देखे विचरण भीत, देखे बिनु देखे उपाय, तुम सो सुख नहीं मीत। इसका अर्थ है कोई न युवती अपने प्रेमी से कहती है कि आपके दिखाई न देने पर दर्शन की तीव्र इच्छा बनी रहती है और दर्शन होने पर वियोग का भय व्याप्त हो जाता है, अतः मुझे तो दोनों ही स्थितियां कष्टकारक है। तो व्यंग्यार्थ यह है कि आप कहीं भी न जाकर सदैव मेरे पास रहें, जिसे दर्शन लाभ मिलता रहे और वियोग का भय पीड़ित न करे। तो यहां पर जो व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। क्योंकि नायिका अपने प्रेमी से कहती है जब आप नहीं दिखते हैं तब आपको देखने की इच्छा होती है, और जब आप दिख जाते हैं तब मन में आपसे बिछड़ने का भय रहता है, तो इसलिए आप हमेशा मेरे पास बने रहे ताकि बिछड़ने का भय न रहे। चित्र काव्य में क्या होता है, चित्र काव्य को आचार्य आनंद वर्धन ने अधम कोटि का कहा है, जिसमें केवल वाच्यार्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है। जैसे कि तो पर वारम उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समन। तो यहां पर यमक अलंकार है, यहां पर उर्वशी कौन है, जो नायिक वहां पर जो अप्सरा है स्वर्ग की, और मोहन के उर्वशी मोहन के हृदय में बसी है, उर्वशी समान मतलब उर्वशी यहां पर एक आभूषण है जो धारण करते हैं भगवान कृष्ण। तो यह तीन प्रकार के शब्द हैं उर्वशी, यहां पर यमक अलंकार है। तो इसका अर्थ है कि हे राधा तेरे ऊपर तो उर्वशी नामक अप्सरा भी न्योछावर की जा सकती है, अर्थात तो उर्वशी से भी अधिक सुंदर है, इसलिए कृष्ण के हृदय में उर्वशी नामक आभूषण की तरह सुशोभित हो रही है। तो यहां समझाने के लिए कुछ है नहीं, आप समझ चुके होंगे। तो इसमें कवि का सारा ध्यान यमक अलंकार पर केंद्रित है, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है। उर्वशी का तीन बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होने से यहां पर यमक अलंकार तो है, यमक अलंकार का तो प्रयोग किया है कवि ने, लेकिन यहां पर व्यंग्यार्थ नहीं है, यहां पर सीधा वाच्यार्थ है, अतः यह चित्र काव्य का उदाहरण है। क्योंकि जहां पर वाच्यार्थ होता है वहां पर क्या काव्य होता है, अधम काव्य होता है, जिसे हम कहते हैं चित्र काव्य। अब हम प्रतीयमान अर्थ मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जो व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। तो काव्य शास्त्र में तीन शब्द शक्तियों का उल्लेख किया गया है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तीन शब्द शक्तियां होती है। इनमें से जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसका संबंध होता है ध्वनि से। व्यंजना वह शब्द शक्ति है जो मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के झीने पर्दे में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर काव्य के वास्तविक लावण्य अथवा सुंदरता को व्यक्त करती है। तो व्यंजना वह शब्द शक्ति है जब अभिधा और लक्षणा के माध्यम से हम अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, जहां पर अर्थ छुपा रहता है, तब हम व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से काव्य के वास्तविक लावण्य को अथवा सुंदरता को समझ पाते हैं। तो यही व्यंजना शब्द शक्ति है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से जो अर्थ व्यक्त होता है उसे कहा जाता है व्यंग्यार्थ अथवा प्रतीयमान अर्थ। आचार्य आनंद वर्धन ने प्रतीयमान अर्थ की प्रशंसा करते हुए इसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है, अर्थात ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो इन्होंने आचार्य आनंद वर्धन ने क्या कहा है, प्रतीयमानम पुनरन्य देव बसत्वस्ति वाणीसु महाकविनाम यत्तत् प्रसिद्धाव यवातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। अर्थात प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों मुख नेत्र आदि से भिन्न लावण्य अथवा सुंदरता के समान महाकवियों की वाणी में भाषित होता है। तो यह क्या है, प्रतीयमान अर्थ क्या है, महाकवियों की वाणी के द्वारा उद्भाषित होने वाला जो अर्थ है, महाकवियों की वाणी से जो व्यक्त होने वाला जो अर्थ है, तो उसकी जो सुंदरता होती है वही प्रतीयमान अर्थ है। जैसे कि जब स्त्रियों का किसी स्त्री को हम कहते हैं कि उसका मुख सुंदर है, उसका नेत्र सुंदर है, इससे इसकी तुलना में समग्र रूप से जब हम उसकी लावण्य अथवा सुंदरता की चर्चा करते हैं कि उसका सौंदर्य अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार कवियों की वाणी में जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, जो महान कवियों की वाणी के द्वारा जो अर्थ अभिव्यक्त होता है वह अनिर्वचनीय होता है, अत्यंत सुंदर होता है, तो उसका जो सौंदर्य है वही प्रतीयमान अर्थ है। अब ध्वनि संप्रदाय का विकास, मैं बता चुका हूं कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य आनंद वर्धन को दिया जाता है, लेकिन आचार्य आनंद वर्धन के समर्थन में अन्य आचार्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
और इन सभी आचार्यों से मिलकर ध्वनि संप्रदाय का विकास हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ध्वनि संप्रदाय का विकास किस प्रकार हुआ और किन किन विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया। सकारात्मक योगदान, सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन। यद्यपि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक में इस बात को स्वीकार किया कि ध्वनि सिद्धांत की परंपरा उनसे पहले भी वर्तमान अथवा विद्यमान थी, किंतु उसके पुष्ट प्रमाण न मिलने के कारण हम आचार्य आनंदवर्धन को ही ध्वनि सिद्धांत का प्रथम आचार्य मानते हैं। यद्यपि आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वनियालोक में यह स्वीकार किया कि यह ध्वनि सिद्धांत की जो परंपरा है पहले से चली आ रही है, लेकिन वास्तव में इनसे पहले की परंपरा के संबंध में अथवा आचार्यों अथवा विद्वानों के संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हम आचार्य आनंदवर्धन को ही ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, ध्वनि संप्रदाय का प्रथम आचार्य मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वनियालोक में ध्वनि सिद्धांत का विस्तृत विवेचन करते हुए उसे ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया। तो आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वनियालोक में ध्वनि सिद्धांत पर विस्तृत रूप से आज विचार विमर्श किया, अपने विचार प्रस्तुत किए, इसकी विवेचना की और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वनि का आधारभूत तत्व मानते हुए आनंदवर्धन ने व्यंजना के मूल में अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों को माना है और इसी आधार पर उन्होंने ध्वनि के दो भेद किए हैं। यद्यपि आचार्य आनंदवर्धन ने व्यंजना शब्द शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यह कहा है कि यह इसका आधार क्या है, अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति निर्मित होती है और इसी आधार पर उन्होंने ध्वनि के दो भेद किए हैं, अभिधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि। अब आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकार रस रीति, जो पहले के जो सिद्धांत थे अलंकार सिद्धांत रस सिद्धांत रीति सिद्धांत आदि सभी के मूल में ध्वनि को ही स्वीकार किया है और ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य मानते हैं और उनका मानना है कि ध्वनि काव्य ही सर्वाधिक उत्तम काव्य है और अलंकार रस रीति सभी के मूल में सभी का आधारभूत तत्व तो क्या है, ध्वनि है। तो ये पहले आचार्य हो गए प्रवर्तक। दूसरे आचार्य हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वनियालोक की टीका ध्वनियालोक लोचन नाम से लिखी जो अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई। तो इन्होंने इसकी टीका लिखी, इसकी व्याख्या की ध्वनियालोक लोचन के नाम से। इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को पल्लवित और विकसित किया और इस बात को स्पष्ट किया कि ध्वनिवादियों की व्यंजना शक्ति ही रस की अभिव्यक्ति कर सकती है, क्योंकि रस भाव आदि का बोध व्यंग रूप में ही हुआ करता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को पुष्पित और पल्लवित किया, उसे विकसित किया, उसे आगे बढ़ाया और उन्होंने यह बताया कि व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही रस की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि हमको रस या भाव कैसे महसूस कर पाते हैं, व्यंजना शक्ति के माध्यम से ही, व्यंजना शक्ति के माध्यम से ही हम किसी कविता के भाव को अथवा रस को महसूस कर पाते हैं, उसका रसास्वादन कर पाते हैं। तो अपने इस विवेचन द्वारा आचार्य अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत को परस्पर प्रगाढ़ रूप से संबद्ध कर दिया। आचार्य अभिनव गुप्त मूलतः रसवादी आचार्य थे। यद्यपि आचार्य अभिनव गुप्त मूल रूप से रसवादी आचार्य थे, लेकिन उनका सर्वाधिक सब महत्वपूर्ण योगदान क्या है, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इन्होंने रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत को एक साथ मिला दिया और प्रगाढ़ रूप से संबद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। रस की सम्यक पुष्टि के लिए उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को महत्व प्रदान किया, मतलब यद्यपि रसवादी आचार्य थे लेकिन रस को पुष्ट करने के लिए, रस सिद्धांत को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को महत्व प्रदान किया और सिद्ध किया कि रस वाच्य न होकर व्यंग्य होता है और उन्होंने बताया कि जो रस होता है वह वाच्यार्थ पर निर्भर नहीं होता बल्कि रस जो है व्यंग्यार्थ पर निर्भर होता है और उन्होंने यह भी स्थापित किया कि रस ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। रस ध्वनि मतलब रस और धन ध्वनि, रस और ध्वनि दोनों को ही मिलाकर उन्होंने काव्य की आत्मा कहा। दूसरे शब्दों में वे ध्वनि सौंदर्य से युक्त रसात्मक काव्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना है कि वही काव्य सर्वश्रेष्ठ है जिसमें रस और ध्वनि दोनों का समागम होता है और दोनों का मिलाप होता है, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट का अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, मम्मट का काव्य शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वे एक सुलझे हुए प्रतिभाशाली आचार्य थे। यद्यपि उन्हें रसवादी आचार्य माना जाता है तथापि वे
ध्वनि सिद्धांत के भी प्रबल पक्षधर थे। आचार्य मम्मट की प्रसिद्ध कृति है काव्य प्रकाश, वास्तव में ये भी रसवादी आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का भी प्रबल समर्थन किया। ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों ने ध्वनि के विरोध में जो तर्क दिए थे, आचार्य मम्मट ने उनका विद्वतापूर्ण ढंग से खंडन किया और इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसीलिए आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह प्रायः पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट को क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में जो तर्क दिए थे, उन तर्कों को आचार्य मम्मट ने अपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से खंडित किया और ध्वनि सिद्धांत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, मजबूत आधार प्रदान किया। इसीलिए आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है और यह प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने व्यंजना शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में व्यंजना शक्ति के महत्व को स्वीकार किया, उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया, उसकी सत्ता को स्वीकार किया और ध्वनिवादी आचार्यों की मान्यताओं में एक रूपता लाने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया। तो ध्वनिवादी आचार्य की जो मान्यताएं थी उनको उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके उनमें एक रूपता लाने का प्रयास किया। अब ये आचार्य आनंद वर्धन के पूर्ववर्ती ध्वनि विरोधी आचार्यों के तीन वर्ग थे जो निम्नानुसार है। तो खाली इनके समर्थक बस नहीं थे बल्कि कुछ इनके विरोधी आचार्य भी थे जिन्होंने आचार्य आनंद वर्धन के ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया। इन आचार्यों को हम तीन प्रकार की कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अभाववादी। अभाववादी इनका मत है कि ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं है, इन्होंने ध्वनि के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया, इसलिए इन्हें कहा जाता है अभाववादी। दूसरा है भक्तिवादी। इनके अनुसार ध्वनि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इनके अनुसार ध्वनि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह गुण वृत्ति अर्थात लक्षणा के अंतर्भूत है। तो दो तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इनका कहना है कि ध्वनि जो है अपने आप में इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि यह लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत ही शामिल है। तीसरा है अलक्षणीयतावादी। इनकी क्या मान्यता है, इनकी मान्यता थी कि ध्वनि तत्व तो अवश्य है, इन्होंने ध्वनि के अस्तित्व को स्वीकार तो किया लेकिन इनका कहना था किंतु उसके लक्षण का निरूपण नहीं किया जा सकता। इनका मानना है ठीक है ध्वनि का अस्तित्व तो है लेकिन उसके विशेषताओं के बारे में, उसके लक्षण के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें कहा जाता है अलक्षणीयतावादी। वह मात्र सहृदय हृदय संवेद्य, उनका कहना है कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना, जो सहृदय है वह केवल इसे महसूस कर सकते हैं। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनियालोक में विरोधियों के मतों का खंडन कर ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। इन सबके बावजूद भी आचार्य आनंद वर्धन ने अपनी कृति ध्वनियालोक में विरोधियों के सभी मतों का खंडन कर दिया और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना इन्होंने की थी। ध्वनि विरोधी कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिनके बारे में हमको जान लेना जरूरी है और परीक्षा में भी इनको लिखना आवश्यक है। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन से हैं? ध्वनि विरोधी आचार्य में प्रमुख हैं मुकुल भट्ट, प्रतिहार इंदुराज, भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महिम भट्ट। आचार्य मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधा वृत्ति मातृका में केवल अभिधा शक्ति को ही स्वीकार किया। आचार्य मुकुल भट्ट ने केवल कहा कि सिर्फ अभिधा शब्द शक्ति ही होती है, बाकी दोनों के अस्तित्व से उन्होंने इनकार कर दिया। जबकि प्रतिहारेंदु राज ने अलंकार के अंतर्गत ही ध्वनि को माना। प्रतिहारेंदु राज नाम के विद्वान थे, इन्होंने ध्वनि को किसके अंतर्गत माना, अलंकार के अंतर्गत उन्होंने ध्वनि को शामिल कर दिया, इसके स्वतंत्र अस्तित्व से इन्होंने इनकार किया। इसी प्रकार हृदय दर्पण के रचिता प्रसिद्ध मीमांसक एवं रस समर्थक आचार्य भट्टनायक ने भी भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना कर व्यंजना को स्वीकार नहीं किया। आचार्य भट्टनायक का भी यह कहना है कि व्यंजना शब्द शक्ति जैसे कुछ चीज होती नहीं, बल्कि इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की चर्चा की थी, तो यह भी इन्होंने विरोध किया। और आचार्य महिम भट्ट यह भी विरोधी आचार्य थे, इनका क्या कहना था? आचार्य महिम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी मान्यता है कि ध्वनि कोई पृथक वस्तु नहीं है अपितु वह अनुमान का ही एक भेद है। मतलब उनका कहना है कि ध्वनि कोई पृथक इसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम अनुमान लगाते हैं कि इसका अर्थ यह हो सकता है, हम अनुमान लगाते हैं। ध्वनियालोक में ध्वनि के जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हें आचार्य महिम भट्ट ने अनुमान सिद्ध किया। तो ध्वनियालोक ग्रंथ में ध्वनि के जो भी उदाहरण दिए गए
उनका कहना है कि यह सिर्फ अनुमान पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। इस प्रकार उन्होंने इसे ध्वनि के भेदों को अनुमान सिद्ध किया। आचार्य महिम भट्ट की मान्यता है कि प्रतिमान अर्थ तो अनुमान पर आधारित होता है, अर्थात जो व्यंग्यार्थ होता है, जो प्रतिमान अर्थ होता है वह अनुमान पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित होता है, इमेजिनेशन पर आधारित होता है, और अनुमान के आधार पर किसी भी कथा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर इन अनुमानित अर्थों को प्रमुख कैसे माना जा सकता है? इनका मानना है कि जो भी काव्य का अध्ययन करता है, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी समीक्षा करेंगे, उसको समझेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तो यह अनुमान पर आधारित है। मतलब किसी काव्य का प्रतिमान अर्थ अनुमान पर आधारित है और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाता है, इसलिए इसे हम प्रमुख या प्रधान नहीं कह सकते। यही कारण है कि वे अभिधा को ही स्वीकार करते हैं और ध्वनि का खंडन करते हैं। इस प्रकार वे अभिधा शब्द शक्ति को ही स्वीकार करते हैं और ध्वनि का खंडन करते हैं, क्योंकि ध्वनि क्या है? प्रतिमान अर्थ अथवा अनुमान पर आधारित होता है, व्यंग्यार्थ पर आधारित होता है। अब ध्वनि के भेद दो प्रकार के भेद किए जाते हैं सामान्य रूप से ध्वनि के, अभिधामूला ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि। अभिधामूला ध्वनि में अभिधेयार्थ मुख्यार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। अभिधामूला ध्वनि में जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो अभिधेय अर्थ मुख्य अर्थ के द्वारा ही हम व्यंग्यार्थ का पता चल जाता है, जबकि लक्षणामूला ध्वनि में लक्ष्यार्थ अथवा गौण अर्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। लक्षणामूला ध्वनि में क्या होता है? लक्ष्यार्थ गौणार्थ, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से व्यंग्यार्थ का पता चलता है। अभिधामूला ध्वनि को पुनः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और संलक्ष्य क्रम ध्वनि। इन सबका आपको उल्लेख करना आवश्यक है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रायः परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी यह पूछा जाता है। अभिधामूला ध्वनि को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और संलक्ष्य क्रम ध्वनि। जहां वाच्यार्थ, वाच्यार्थ मतलब मुख्यार्थ जो अभिधा शब्द शक्ति से जुड़ा होता है, जहां वाच्यार्थ मुख्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, दोनों के बीच समय का अंतराल प्रतीत नहीं होता, वहां असंलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि कहां पर होती है? जैसे हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो मुख्य अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ का भी पता चल जाता है, समय का अंतराल नहीं होता, तुरंत हमको पता चल जाता है कि व्यंग्यार्थ क्या है, वहां होती है असंलक्ष्य क्रम ध्वनि। जबकि वाच्यार्थ मतलब मुख्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति में समय का अंतराल होने पर संलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। लेकिन जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तब वाच्यार्थ तथा मुख्यार्थ का पता हमको तुरंत चल जाता है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है उसका पता हमको थोड़ी देर बाद चलता है, तब वहां पर होता है संलक्ष्य क्रम ध्वनि। ये सारी बातें आपको कठिन लग रही है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। समझने के बाद जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं एक दो बार तो आपको पूरी तरह से याद हो जाता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरा यह लेक्चर खत्म होगा आप पूरी तरह से इस अवधारणा को समझ चुके रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। इनमें से रस ध्वनि को ध्वनि संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि तीन प्रकार के होते हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। इनमें से रस ध्वनि को ध्वनि संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रस ध्वनि ही काव्य में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ध्वनिवादी यह तो स्वीकार करते हैं कि रस श्रेष्ठतम काव्य तत्व है, पर वे काव्य की आत्मा के पद पर ध्वनि को ही प्रतिष्ठित करते हैं। जब ध्वनिवादियों से यह पूछा जाता है कि भाई सबसे श्रेष्ठतम काव्य का तत्व क्या है, काव्य का श्रेष्ठतम तत्व क्या है, तब वे रस कह देते हैं कि ठीक है भाई रस जो है काव्य का श्रेष्ठतम तत्व है, लेकिन काव्य की आत्मा क्या है? जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है तब वे कहते हैं कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। वस्तुतः ध्वनि के सैकड़ों भेदों पर भेद किए गए हैं, जिससे यह संप्रदाय अत्यंत व्यापक रूप से विचार विमर्श का विषय बना। मतलब ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि के बहुत सारे भेद किए गए हैं, जिसके कारण ध्वनि सिद्धांत पर सर्वाधिक विचार विमर्श हुआ है भारतीय काव्य शास्त्र में। अब काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि का उल्लेख यह सिद्धांत इस सिद्धांत में किस प्रकार हुआ है? काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि सिद्धांत निश्चित ही अलंकार, रीति, वक्रोक्ति सिद्धांतों से अधिक व्यापक है। यह सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत है तथा इसका विवेचन भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में किया गया है, मतलब इस पर सर्वाधिक विचार विमर्श किया गया है। यह अत्यंत व्यापक सिद्धांत है। ध्वनि को काव्य का प्राण तत्व मतलब आत्मा स्वीकार करते हुए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है।
परंतु आचार्यों ने धनी को रस व्यंजना का माध्यम मात्र माना है, वे धनी के स्थान पर रस को वरीयता देते हैं। लेकिन जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने ध्वनि को क्या माना है कि ध्वनि के माध्यम से सिर्फ रस की अभिव्यक्ति होती है, ध्वनि के माध्यम से हम सिर्फ रस को महसूस करते हैं, रसास्वादन कर पाते हैं, लेकिन ध्वनि की तुलना में रस जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः ध्वनि सिद्धांत ने रस सिद्धांत के रहस्य को खोल दिया, अतः इसे रस सिद्धांत का पूरक कहना चाहिए। तो वास्तव में जो ध्वनि सिद्धांत है उसने रस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट कर दिया और उसे पुख्ता और प्रमाणित कर दिया। इसलिए ध्वनि सिद्धांत को हमें यह समझना चाहिए कि ध्वनि सिद्धांत है यह रस सिद्धांत का पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना है, इस प्रकार वे भी रस के महत्व को नकार नहीं सके, इन्होंने भी रस को महत्व दिया है। और आचार्य अभिनव गुप्त ने तो रस और ध्वनि का ऐसा समन्वय किया, आचार्य अभिनव गुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, रस और ध्वनि का समन्वय, इन्होंने ऐसा समन्वय किया है कि परवर्ती आचार्यों ने ध्वनि युक्त सरस काव्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो आचार्य अभिनव गुप्त का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने ध्वनि और रस का समन्वय कर दिया है, जिसके कारण बाद के आचार्यों ने कहा है कि ध्वनि युक्त सरस काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है, मतलब वह काव्य जिसमें ध्वनि भी है और रस भी है वह सर्वश्रेष्ठ काव्य है। ध्वनि द्वारा रस की व्यंजना की जाती है, ध्वनि के माध्यम से रस को अभिव्यक्त किया जाता है, उसकी व्यंजना की जाती है, अतः काव्य की आत्मा तो रस ही है। हाँ, ध्वनि उसकी साधिका अवश्य मानी जा सकती है। तो इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है और ध्वनि उसका साधन है जिसके माध्यम से हमको रसास्वादन होता है। अब हिंदी के आचार्यों ने ध्वनि के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं यह भी जानना जरूरी है। चिंतामणि त्रिपाठी ने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना है और ध्वनि के भेदों की इन्होंने व्याख्या की। चिंतामणि त्रिपाठी जी कहते हैं कि ध्वनि काव्य उत्तम काव्य है और उन्होंने ध्वनि के भेदों की इन्होंने व्याख्या की और इन्होंने क्या कहा, प्रति शब्दाकृत लब्ध क्रम व्यंग्य सूत्र विविध बखानी शब्द अर्थ युग शक्ति भाव इति ध्वनि भेद सुजानी, यह उन्होंने कहा है। भिखारी दास जी ने क्या कहा है, भिखारी दास ने ध्वनि का विवेचन मतलब इस पर विचार विमर्श किया और ध्वनि के भेदों का उल्लेख इन्होंने आचार्य मम्मट के अनुसार किया। इन्होंने ध्वनि को कैसे कैटेगराइज किया, आचार्य मम्मट के अनुसार, और इनका कहना है वाच्य अर्थ ते व्यंग में चमत्कार अधिकार धुन ताही को कहते हैं उत्तम काव्य विचार, प्राय इन पंक्तियों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रताप साई जी की प्रसिद्ध कृति है व्यंग्यार्थ कौमुदी और इसमें इन्होंने उसी काव्य को उत्तम काव्य माना है जो ध्वनि प्रधान हो अथवा व्यंग प्रधान हो, और ये कहते हैं व्यंग जीव है कवित में शब्द अर्थ है अंग सो ही उत्तम काव्य है जो वर्णे व्यंग प्रसंग, ये सभी पंक्तियां परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुलपति मिश्र जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस रहस्य, इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा एवं ध्वनि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए गुण और अलंकार आदि को ध्वनि की सिद्धि का साधन बताया है, मतलब गुण के माध्यम से अलंकारों के माध्यम से ध्वनि की प्राप्ति होती है, ध्वनि की सिद्धि होती है, और उन्होंने ध्वनि को काव्य का आत्मा कहते हुए ध्वनि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है, ध्वनि को श्रेष्ठ बताते हुए कहा है, व्यंग जीव ताको कहत शब्द अर्थ है देह गुण गुण भूषण भूषणो दूषण दूषण, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जाती है। अब निष्कर्ष, हमेशा ही जब भी आप लिखित परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो अथवा कोई भी परीक्षा हो, आपको निष्कर्ष अवश्य लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन को आपको डायरेक्ट आप चालू करते हैं और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और निष्कर्ष में हम क्या लिखते हैं, ऊपर हमने जिन बातों की चर्चा की है उसको हमको यहां संक्षेप में लिखना होता है, इसे हम कहते हैं निष्कर्ष, है ना, कंक्लूजन। तो ध्वनि का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है, चार वेद होते हैं उनमें जो अथर्ववेद है उसमें ध्वनि का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनिरात्मक काव्य कहा है, इन्होंने अपने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। अब जो आचार्य आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका मतलब उसकी व्याख्या विश्लेषण ध्वन्यालोक नोचन के नाम से आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखी है, आचार्य अभिनव गुप्त ने इसकी टीका लिखी, इसकी व्याख्या लिखी। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ अर्थात मुख्यार्थ से भिन्न कुछ अधिक चमत्कार पूर्ण अर्थ प्रतिमान होता है और यह प्रतिमान अर्थ ही ध्वनि है, अर्थात महाकवियों की वाणी से जो अर्थ निकलता है वह कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता, बल्कि वह अत्यंत सुंदर रमणीय अद्भुत अर्थ निकलता है
जिसे हम कहते हैं प्रतीयमान अर्थ, और यह प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि है, यह उनका कहना है। और आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने ध्वनि सिद्धांत के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया। आचार्य नंदलाल वाजपेयी जो जाने माने आलोचक हैं, सौष्ठववादी आलोचक हैं, इनका यह कहना है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किस लिए हुआ था? रस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हुआ था। उसे स्वयं कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। इन्होंने उसे संप्रदाय मानने से इंकार किया है, बल्कि उनका मानना है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन रस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किया गया है। इसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णता और व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया। तो ध्वनि सिद्धांत ने भारतीय जनमानस को, भारतीय विद्वानों को बहुत ज्यादा आकृष्ट किया। इसका कारण यह है कि ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से ही रस सिद्धांत को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उसे पूर्णता प्राप्त हुई, उसे व्याप्ति मिली और उसे लोग समझने लगे। इसी कारण भारतीय जनमानस ने ध्वनि सिद्धांत को हृदय से स्वीकार किया। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने ध्वनि संप्रदाय और ध्वनि सिद्धांत को भली भांति समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही इस लेक्चर को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। और एक बात और आपको बता देता हूं कि इसका जो PDF है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।